जुलाई में जोमेटो के आईपीओ में निवेशकों का खूब पैसा बना था। अब आगे इस शेयर में पैसा बनेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। जोमेटो ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। दूसरी तिमाही में जोमेटो के घाटे में इजाफा हुआ है। सितंबर तिमाही में जोमेटो को 429 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल समान अवधि में 229 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जून तिमाही में भी जोमेटो को 356 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जोमेटो का घाटा भले ही बड़ा है, लेकिन आय में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर तिमाही में कंपनी की आय 140% बढ़कर 1024 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल समान अवधि में कंपनी की आय 426 करोड़ रुपए थी। जोमेटो के घाटे बढ़ने की बड़ी वजह खर्च रहा। जोमेटो ने कहा कि फूड डिलीवरी बिजनेस की ग्रोथ के लिए किए गए निवेश और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए खर्च के कारण दूसरी तिमाही में घाटा बढ़ा है। घाटा बढ़ने के बावजूद कुछ ब्रोकर्स को लगता है कि जोमेटो में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। कई बड़े ब्रोकर्स ने जोमेटो में खरीदारी की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स ने जोमेटो में 185 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कारोबार में कंपनी की अच्छी पकड़ है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में अगले 5 साल में 51% की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है, जो कि पहले 46% था। जेफरीज ने भी 170 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दी है। जेफरीज को लगता है दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्रोथ ऑर्डर वैल्यू में तेज उछाल देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने बाई एंड बिल्ड स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया है। ICICI सिक्योरिटीज ने भी जोमेटो में 220 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी है। मॉर्गन स्टैनली ने जोमेटो को इक्वल वेट रेटिंग दी है। इक्वल वेट रेटिंग का मतलब होता है कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है। कुल मिलाकर जोमेटो में आगे निवेशकों की कमाई कराने की क्षमता है, हालांकि छोटी अवधि में जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कंपनी का कारोबारी मॉडल अच्छा है और अब कंपनी ब्रांड टेकओवर पर फोकस कर रही है, यानी कि कंपनी अपने रेस्टोरेंट के जरिए भी फूड डिलीवरी की प्लानिंग कर रही है, जो कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। इससे लंबी अवधि में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है। जोमेटो का शेयर आज 4.25% उछाल के साथ 142 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 5 दिन में जोमेटो में 9.25% की बढ़त देखने को मिली है। जिन निवेशकों के पास अभी जोमेटो का शेयर है वो होल्ड कर सकते हैं, बल्कि गिरावट पर थोड़ी खरीदारी भी की जा सकती है। लंबी अवधि में जोमेटो में पैसा बनने की उम्मीद है।